सो गाइस आ चुके हैं आज का प्लेयर जो कि सब भाई करना पड़ेगा भाई ले। जय श्री राम ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे एक और बेहतरीन व्लॉग में। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:20 और अभी तक कुछ नहीं खाया है और अभी प्याज ही काट रहा था क्योंकि जो अंदर की पीड़ा दर्द होते हैं, जो खाना बनाने का पीड़ा होता है उसको रियल बनाने के लिए प्याज होता है। तो प्याज काटते वक्त इतने आंसू आ गए थे, अभी जा गया था मैं आंसू पोंछने, आँख दिख रही होगी लाल हो गए रोते रोते। सो प्याज टमाटर मिर्च काट लिया है और सोयाबीन बॉयल कर लिया है। सो मैं सोच रहा हूँ सोयाबीन की सब्जी बनाई जाए और रोटी। सो बनाते हैं सब्जी, वैसे इतना इनफ है मसाला प्याज का और टमाटर इतनी सोयाबीन की। पहले इसको फ्राई करना पड़ेगा सोयाबीन को, उसके बाद बनाएंगे। सो फ्राई करते हैं, जल्दी से बनाते हैं। 3 बज चुके हैं, कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह चाय बिस्किट खाई थी तो थोड़ी राहत है और बर्तन वगैरह सब किचन वगैरह साफ कर दिया था। अब एक ही मॉर्निंग में चला गया, उसके घर से कॉल आई थी और चला गया। सो बनाते हैं जल्दी से सब्जी। पहले सो गाइस पहले से जो बंदे जुड़े हुए हैं ब्लॉग में उन लोगों को पता ही है घर पे अभी कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मेरे पापा वो लोग गाँव जा रखे हैं, सो सारा खाना इसलिए मुझे अकेले बनाना पड़ता है, अकेले बनाना पड़ता है और अकेले ही खाना पड़ता है। काफ़ी पेट का सिर्फ सवाल है। सो गाइस ये जो आलू बचा हुआ था कल का बॉयल्ड आलू, तो उसको भी मैंने काट लिया। आलू और सोयाबीन मस्त सब्जी बनाएंगे। सोयाबीन थोड़े ठंडे हो जाए उसको उसको निचोड़ के निचोड़ के फ्राई करते हैं इसको। सो ऑयल गर्म हो चुका है, अब सोयाबीन फ्राई करते हैं। ये देखना सोयाबीन डालते के साथ ही कैसी आवाज़ आएगी, कैसा सोयाबीन अच्छे से हो गए हैं डीप फ्राई। इसके लिए जीरा और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, प्याज, लहसुन भी डाल देते हैं इसमें, चार पांच बड़ी बड़ी लहसुन भी डाल दिया इसमें, टमाटर पानी ऐड करेंगे, गैस का फ्लेम डालते हैं तेज, हल्का सा पानी ऐड करेंगे। मस्त रेडी हो गया, इसमें हम सोयाबीन और आलू डाल देते हैं। अभी इसमें आलू भी डाल देते हैं। तो इसी के साथ हमारी आलू और सोयाबीन की सब्जी हो गई है रेडी। तो गाइस पहले रोटी बनाने का सीन था लेकिन रोटी बनाने में आलस आ गया मुझे थोड़ा सा, जो कि आना ही चाहिए, इतना काम करने के बाद आलस नहीं आएगा तो क्या आएगा गाइस। तो मैंने चावल ही बना लिए, चावल और सब्जी वही खा लेते हैं, खाना खाते हैं भाई। टाइम हो गया 4:04, 4 बजे खाना खा रहा हूँ, कोई टाइम टेबल नहीं है गाइस, जल्दी खाते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से एक सच बोली दूँ, मैंने जब सोयाबीन फ्राई किया था तो मैं मैगी बनाने वाला था सोयाबीन वाली, सो इसलिए मैं इस पर्पज़ से मैं सोयाबीन बॉईल करने वाला था, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा था उस टाइम मैंने फ्लो में बोल दिया कि सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगा। सिर्फ आप लोगों के चक्कर में सब्जी बनानी पड़ी, कोई नहीं है तो अच्छी बात है। सो खाना निकाल लिया है, सोयाबीन की सब्जी और चावल खाते हैं और टीवी करते हैं ऑन और देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देख के खाना खाते वक्त ये हमारा फिक्स है कि हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखते हैं। सो देखते हैं खाना खाते हैं। सो गाइस अभी मेरे साथ है आदित्य, दिनेश और सवित, और अभी का एक सीन ऐसा है कि हम दृष्टि आई ड्रॉप था मेरे पास जो कि एक्सपायर हो गया था, सो हमें एक दृष्टि सो हम दृष्टि आई ड्रॉप लेने जा रहे हैं, उसके बाद चैलेंज करेंगे कौन लेता है और किसकी आंखों में कितनी जलन मचती है। तो चलते हैं पहले लेके, दो दो खा के आ जाएंगे और खा के मत आना भाई,
दस के छह आते हैं, यहाँ छह देता है भाई। हम तो महंगा वाले खाते हैं भाई, हम नहीं खाते भाई। हमारे पांच ही आने चाहिए फिर। नहीं भाई, तुम्हारे पैकेट में पांच आ जाए। सुकाश दिनेश वाले लेके आ चुके हैं, चल आयो। हमें मोमोज तो ठीक है, वो क्या, वो कहाँ है सत्येंद्र, उसके हाथ है। सो गाइस, आ चुकी है हमारी आज का डेयर, जो कि सब ट्राई करने वाले हैं। बाजी भाई पहले मोमोज खा लेते हैं, बाद में रोएंगे। अबे अरे बताओ क्या करवा के लाए हैं, दो दो एक्स्ट्रा दोनों में। ली मां कसम, ले कसम से, उसने एक डाला एक्स्ट्रा। तुम्हारा कम नहीं है भाई, तुम्हारे में कम नहीं है, पर तुम्हारे में कम नहीं है। मेरे गिलने में 12 है। तूने लिया क्यों, मेरे में से लिया क्यों? वैसे मैं ये ले लूंगा, बता ओ भाई कैसे लड़ रहे हैं जंगलियों के दर्द, देखो मोमोज के लिए। तेरा कैसे हो गए? तो गाइस मोमोज वगैरह खा लिया, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। तो सबसे पहले कौन लेगा भाई? तू एक्सपीरियंस बंदा है, मैं तो ले ही लूंगा। तू ही डालेंगे तो सभी। अबे लेट क्यों रहा? कहीं और डाल डाल दे। अबे वो तो खोल। भाई दोनों में डलवाना पड़ेगा भाई, डेर डेर तो डेर होता है। भाई एक बूंद डाल दिया, ज्यादा नहीं, एक ही बूंद डालते हैं। भाई देर में क्यों मार रहा है? भाई ना नहीं भाई, भाई आउट। भाई करना पड़ेगा भाई। ओ भाई तेरी फाड़ दूंगा मैं, नहीं करेगा आज। अबे आदित्य क्या हो गया भाई? चलो चल उठ जा, वहां से उठ जा। अब भाई ऐसे उठ के बैठना, ऐसे लेटना थोड़ी है। उसकी आंख में पहली पानी आ गया। अबे ऐसे उठ के बैठना, लेटना नहीं है, उठ के बैठ, आंख खोल। साले अब नहीं खुलेगी यार, साइड में बैठ जा। इसकी आंख देखना साले, पास ना जूम मार, ऐसी तो मैं जूम मारना पानी। मेरे को तो आज तक ऐसी हंसी नहीं आई, थोड़ा दूर हो जाए तू, दूसरे ना लगाए तो तू हट जा। अबे खोल दो, अबे खोल ना। आप तेरी हाथ मतलब ओए पोछना नहीं है, पोछना नहीं है, यू कैन डू इट। पोछ नहीं था मैं, देख रहे हो बंदी के चक्कर में कितना रो रहा है। छोड़ के चली गई है। ओ दिल तोड़ के, अबे ठीक है चले, इतना मेरा इतना भी नहीं लग रहा, इतना अच्छे से नहीं लगाया, पर तब भाई दर्द तो हो रहा है ना, देख रहा है अभी तक इसके गया नहीं है, सख्ती दिखा रहा है। चलो गाइस तू तो ले पकड़ ले भाई, सर हटा दे साले, लगा भाई आज आ रहा हूं हटना। तीन बूंद, अबे उससे कुछ नहीं होता, जाएगा एक भी बूंद तो लहर उतनी है साले, एक ही जान मुश्किल पड़ जाता है। अबे इतना कुछ नहीं है, अबे इतना है थड़बड़ा रहा है। अबे देख आंख से अगर आंसू निकल जाते हैं तब लहर खत्म हो जाती है, आंख जितना दबा के रखेगा ना। तो मेरी आंख से आंसू कम निकला था पहले भाई, वो अबे खोल तो हो गया भाई एकदम, खोल खोल दे, दस बंदा डाल दे, देख रहे कंट्रोल करने की कोशिश। अबे यूर सुना रिंग टून अमर, हेलो। अबे आंख तो खोल, आंसू आया, देख रहे हो शक्ति दिखा रहा है, आंख खोल। सही है, इतना भी कुछ नहीं है। देखो ये मर्द देख रहा है, हाथ तो सा डाल रहा है, उसके बाद ढक्कन भी तो बंद कर दूंगा खुद से। अरे अभी कर गया ना भाई, इससे करा के बाहर है। ओ भाई इसको ले जा भाई, अभी भाई थंबनेल के लिए फोटो ऐसे। सो गाइस आंख इतनी खतरनाक लाल हो गई इसकी, चली गई देखिए सब। ये आंटी जी ये उसका नहीं है, दृष्टि आई ड्रॉप का कमाल, ये है दृष्टि आई ड्रॉप का कमाल। आप लोग बच जाए, आपको बेसुध बनाइए, उतना ही दर्द हुआ इतने पहले। चलो गाइस बाय बाय, अभी नहीं तुम जाओ बाद में, चल ठीक है भाई बाय। तू नहीं आ रहा? अरे आ, कौन दे रहा था तुझे?
गाइस कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम लोगों का बताओ थोड़ा टेस्टी आई ड्रॉप का। हां गाइस कमेंट में बताओ। नॉर्मल था भाई यार, खाने का जुगाड़ फिर से करना पड़ेगा। पेट है भाई, इसके लिए पेट के लिए तो काम करना पड़ता है। खाना तो कुछ बनाना पड़ेगा नहीं, रोटी बना लेता हूँ, सब्जी है ही, खाना तो खा लिया। खाना कम ही खाया क्योंकि मोमोज खाए थे अभी शाम में दिनेश वगैरह के साथ, तो पेट फुल फुल सही लग रहा था। सो अभी अंगूर रखे तो अंगूर ले लिया। बस कोई एक ऐसे खिलाने वाला होता ना, कार्टून वगैरह में नहीं होता, कार्टून वगैरह तो पहले के टाइम में राजा वगैरह दासियाँ खिलाने वाले होते थे, ऐसी वाले हम खुद ही फिर ले लेते हैं। सो गाइस टाइम हो गया 11:20 और मूवी अब जाके ख़त्म हुई, एक मूवी देखने लगा था मैं। सो इस व्लॉग को भी करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, की सपोर्टिंग मी। और गाइस कल कहीं बाहर जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। कमी तो है तुम्हारे घर, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा।